हेलो फ्रेंड्स, स्कल्पिंग सीरीज की एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज है बजट डे ट्यूसडे 23 जुलाई एंड टाइम 9:28 हो चुका है। मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में जो ट्रेडिंग जोन को कर रहा है टेस्ट, यहां पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप क्लियरली देख सकते हो। दिस इज मेजर ट्रेडिंग जोन एंड मार्केट स्लाइडली गैप अप ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इस जोन को कर रहा है टेस्ट, राइट। काइंड ऑफ जो यहाँ पे सेंटिमेंट है वो बुलिश देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो असली मूव है वो देखने को मिलेगा 11:30 से, राइट। 10 बजे के बाद देखने को मिल सकता है कि अगर मार्केट को पसंद ना आए, कैपिटल गेन के ऊपर अगर कुछ टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं तो बढ़िया फॉल देखने को मिल सकता है, अदरवाइज मार्केट अपसाइड निकल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करके रखेंगे। अगर 700, ये जो 52,700 के ऊपर, 700-750 के ऊपर अगर आ जाते हैं, मार्केट सस्टेन करे, तो यहाँ पे हम लेस क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट 51,900-800 के नीचे अगर सस्टेन करे, 800 के नीचे अगर सस्टेन करे, तो और डाउनसाइड फॉल देखने को मिल सकता है टिल 51,000। ओके, ये मेरा व्यू है। अभी काइंड ऑफ क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस जिस साइड में होगा उस साइड में मैं पोजीशन बनाऊंगा, लॉस होंगे लॉस को काट करेंगे, राइट। स्कैल्पर हो तो लॉस ज्यादा बड़ा हम नहीं लेंगे। ओके, अभी क्या है, यहाँ पे देखो कि मेजर ट्रेडिंग जोन में सपोर्ट तो ले रहा है, रिजेक्शन तो ले रहा है। हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, अभी मेजर ट्रेडिंग जोन में सपोर्ट ले रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम एक एंट्री बनाते हैं। अभी अगर देखोगे मैं कोई भी पोजीशंस नहीं बनाया, तो अभी हम यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशंस ले रहा है क्योंकि मेजर ट्रेडिंग जोन में सपोर्ट ले रहा है एंड क्वांटिटी गाइज कम होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी हम नहीं लेंगे अभी फिलहाल, 500 ज़्यादा हो रहे। ओके, बट स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। स्टॉप लॉस पता है कोई भी स्टॉप लॉस आज छोटा पड़ सकता है, बट मतलब एक एक कैंडल इतना बड़ा बन जाएगा तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। लेट्स सी, हमने प्लेस कर दिए हैं, इसके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस भी बड़ा रखना होगा, ठीक है। 5140 नहीं, यहाँ पे 95 कर देते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट, मार्केट बेसिकली अभी मूव तो नहीं दे रहा है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश। प्रीवियस डे जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी हुआ था, यहाँ पे आप देखो प्रीवियस डे सबसे ज्यादा जो टाइम बिताया था वहां से रिएक्शन, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के दिन कुछ भी हो सकता है, न्यूज बेस्ड मूव देखने को मिलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे ना। मार्केट अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, उनके अकॉर्डिंग हम पोजीशंस बना रहे हैं, सेंटीमेंट भी बुलिश है। कल के दिन का मूव अगर देखोगे कि नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की ब्रेक डाउन हुआ था 52,200, लेकिन वहां से जिस तरह की सपोर्ट मिला वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट डिस्क्राइब करते हैं, तो उनके हिसाब से मैं अभी बुलिश हूँ। अभी तक तो बजट पेश नहीं हुआ है, तो पेश होने दो, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, बट स्टॉप लॉस मैंडेटरी है गाइस। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस भी रख के चल रहा है एंड क्वांटिटी थोड़ा कम कर दिया, 900 से अभी देखो 510 में ट्रेड कर रहा हूँ। जैसा रिस्क वैसा आपका पोजिशन साइजिंग में ध्यान देना है, स्टॉप लॉस वैसे ही आपको प्लेस करके रखना है। कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ सेकंड भी नहीं लगेगा स्टॉप लॉस हिट करने में, जिस तरह की मूव थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। सो गाइस ये देखिए, इसने लो बनाया था 500, राइट, एंड देखते हैं मार्केट तो सपोर्ट ले रहा है, बट करंट प्रोजेक्शन इज बियरिश। यहाँ पे जिस तरह की स्विंग हाई एंड लो देखने को मिल रहा है, इट्स स्विंग बियरिशनेस, बट कुछ भी बोलना अभी ठीक नहीं होगा। प्राइस मेजर ट्रेडिंग जोन के अबव है, दैट्स व्हाई ये ट्रेड लिया गया था, उन्हीं के हिसाब से लेस क्वांटिटी एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हम पोजिशंस बना रहे हैं। ओके, ये देखिए लंबी सी कैंडल एंड हिट कर चुका है। अभी अगर देखोगे तो इस ट्रेड में हमारा जो लॉस हुआ है 14,000 रुपीस। हे गाइस, मैंने अभी फिर से पोजीशंस बनाया सेम स्ट्राइक में एंड क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम स्कैल्प करेंगे एंड रीजन सिंपल है, सेंट्रल पिवोट में सपोर्ट ले रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अभी जैसे इसमें फोकस कर रहा हूँ, थोड़ा सा अगर लॉस होते हैं ज़्यादा 30,000 देन आई डिस्कार्ड ऑफ दिस पोजीशन। रिस्क हमारा फिक्स्ड है एंड रिवॉर्ड के लिए हम यहाँ पे ज़्यादा टारगेट के लिए हम होल्ड करेंगे। थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं क्यों मैं पोजीशंस बनाया दिस, ठीक है। सेंट्रल पिवोट है, मेजर ट्रेडिंग जोन के लोअर पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई आई टुक दिस पोजीशन। अभी अगर देखोगे तो 8,000 लॉस कवर्ड होके भी, 14,000 जो लॉस था कवर्ड होके भी थोड़ा सा बहुत प्रॉफिट, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड करंट प्रोजेक्शंस बियरिश है, बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशंस बनाया। देखते हैं क्या इसमें सपोर्ट लेगा 16,000।
20,000 चल रहा है प्रॉफिट राइट नाउ, सपोर्ट तो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से यहाँ से। चलो निकल रहा है मार्केट बिग कैंडल, सपोर्ट क्या ले पाएगा 26, थोड़ा सा इंतजार। काइंड ऑफ यहाँ पे अच्छा खासा जगह पे सपोर्ट ले रहा है, बट मैं जो ट्रेडिंग जोन में जो मूविंग एवरेज है उनको टेस्ट कर रहा है। अभी देखोगे तो लॉस रिकवर होके भी हमारा यहाँ पे 25,000 28,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ओके गाइस, फाइनली एक बिग कैंडल बनता हुआ एंड लेट्स सी, मुझे यहाँ पे 30,000 प्रॉफिट या और उसके साथ साथ 14,000 प्रीवियस जो लॉस था वो भी रिकवर्ड हो गया था। दैट्स मीन 45,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था बट मैंने उनको बुक नहीं किया था एंड राइट नाउ 5,000 चल रहा है। सो लेट्स सी, मेरे हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। अगर इसके नीचे फिर से आ जाते हैं, जस्ट क्लोजिंग की जरूरत नहीं, आ जाते हैं देन आई विल स्कर्ट ऑफ। 200 के बिलो जैसे ही आएगा तो स्कर्ट ऑफ कर देंगे, इंतजार नहीं करना है, उससे पहले ही कर देंगे गाइस, उतना रिस्क तो नहीं लेंगे। एग्जिट बटन पे मेरा हाथ लगा हुआ है, सो लेट्स सी, इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी, बड़ा लॉस भी हो सकता है। 200 के बिलो तो हम बियरिश हो जाएंगे, 200 के नीचे हम यहाँ पे कॉल साइड नहीं लेंगे। ओके, आप अगर हमारे पास्ट वीडियो भी देखोगे तो वहाँ पे मैं इस लेवल की एवरी टाइम्स जिक्र किया हूँ, ठीक है। मार्केट ट्राई तो कर रहा है सपोर्ट लेने की बट अभी उतना मोमेंटम है नहीं, ये जैसे ही बजट स्टार्ट होंगे तब मार्केट में यहाँ पे हलचल देखने को मिलेगा। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, सो दिस वाज द लास्ट होप, क्योंकि 200 लेवल जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उनके नीचे आ चुका है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि इसके नीचे अगर आते हैं देन हम स्कर्ट अप कर देंगे। यहाँ पे 45,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था बट हमने नहीं बुक किया। बेसिकली मैं सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा था इस लेवल से बट ऐसा नहीं हुआ एंड दो ट्रेड से कुल मिला के यहाँ पे आप देख सकते हो इस ट्रेड में भी 14,000 के आसपास हमारा लॉस हुआ, 15,000 या 16,000 राइट। सो कुल मिला के यहाँ पे 30,000 लॉस हो चुका है दोनों ट्रेड में। एक ट्रेड हमको लगेगा इसको रिकवर करने में, जो लोग कहते हैं कि सर आपका तो स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, तो ये किया था, मेरा भी एसएल हिट होता है लेकिन रिस्क लिमिटेड रखना चाहिए, बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे देखो एग्जिट करने के बाद इट्स शोइंग बुलिशनेस, अभी भी 200 के ऊपर आ चुका है, मतलब अभी थोड़ा पॉज लेना चाहिए हमको ट्रेड लेने से पहले, क्या करेगा पता नहीं है मार्केट। 200 के मतलब करंट प्रोजेक्शंस अगर देखें इट्स शोइंग बियरिशनेस बट यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से सपोर्ट लेके बिग कैंडल एक बना दे, लॉन्ग कैंडल टिल है, या फिर ब्रेक डाउन करके यहाँ तक टेस्ट कर दे 800 जो लेवल मैंने बताया था, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं, चलो इंतजार करते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 200 में फिर से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, बार बार रिजेक्शंस, अगर यहाँ पे आगे देखोगे तो रिजेक्शन, सपोर्ट तो बन रहा है बट उतना मोमेंटम है नहीं। यहाँ पे बेस बना के जैसा बजट रहेगा उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे की तरफ भी ड्रॉप कर सकता है या फिर यहाँ से बड़ा अप कैंडल बन सकता है, जिनका चांसेस मुझे लग रहा है ज़्यादा है। सो लेट्स सी, देखते हैं, एंड ऐसे कोई गारंटी तो है नहीं, जो भी होगा उनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, लॉस होंगे जल्दी काट करेंगे। यहाँ पे अगर देखोगे तो 444 यहाँ पे लो लगाया था हमने, 471 में कट कर दिए थे एंड उसके बाद अभी देखो इसने 492 यहाँ पे हाई लगाया, ये सपोर्ट तो ले रहा है बट यहाँ पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सो लेट्स वेट, अब मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम स्ट्राइक है एंड वहाँ पे हमने पोजीशंस बना चुके हैं। सो लेट्स सी, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है उतना, 510 एंड मार्केट में थोड़ा बहुत हलचल होना स्टार्ट हुआ है एंड 200 के ऊपर ये देखिए एक बिग कैंडल बन गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहे फिर से 200 को टेस्ट, कुछ भी हो सकता है। मैं तो जस्ट यहाँ पे जो 200 लेवल है इनको सपोर्ट मानते हुए चल रहा हूँ। ओके, सो लेट्स सी क्या ये सपोर्ट ले पाएगा या फिर ब्रेक डाउन, जैसे ब्रेक डाउन करेगा देन आई विल स्कर्ट ऑफ दिस पोजिशन। ओके,
अभी तक मैंने इंतजार कर रहा था, जैसे ही मूव मिलना स्टार्ट हुआ तो अभी जाके मैं यहाँ पे पोजीशंस बना रहा हूँ। चलो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया फिर से, एंड नीचे की साइड निकलने की कोशिश कर रहा है मार्केट। ये देखो एग्जिट करने के बाद फिर से ये 200 के ऊपर, मतलब यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश हो रहा है। अभी तक कोई ये जो उछाल आया था रिजेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, सेलर्स ने फिर से ली एंट्री एंड प्राइस को सेंट्रल पिवोट के नीचे की तरफ, एंड आप लॉस देखोगे तो बड़ा लॉस हो चुका है। सो अभी टाइम 10:40 एंड यहाँ पे कॉल पुट दोनों को मैंने ऐड कर चुका हूँ। सो ये धन का टर्मिनल है, मल्टी टाइम फ्रेम आपको मिल जाता है, यहाँ पे ओवरऑल पीएनएल दिख जाते हैं, ऑप्शन चेन यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, स्कल्पर बटन भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो और इसका कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं है। ओके, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो अभी अगर देखोगे यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, बेस बना के उछाल तो दिया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, तो उनके अकॉर्डिंग अभी हम कॉल साइड में और पोजीशंस नहीं लेंगे। तीनों पोजीशंस मैंने बनाया, सेंटीमेंट मेरा स्लाइडली बुलिश था बट हो सकता है टाइमिंग्स गलत है, मैंने 11 बजे से पहले पोजीशंस बना रहा हूँ। जैसे कि मेरा हैबिट है वो 11 बजे से पहले ही मतलब ट्रेड्स करके स्कल्पिंग करके ख़त्म करना, लेकिन आज के दिन थोड़ा डिफरेंट है उनके अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे देखोगे मार्केट फिर से 200 के ऊपर कन्फ्यूजिंग जोन में है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। अभी अगर देखो क्या करूँ, यहाँ पे 200 के अबव फिर से आ चुका है। ऐसे स्कल पर हम ज़्यादातर लॉस को होल्ड नहीं करते इसलिए काटना पड़ रहा है, लेकिन आज के दिन भारी पड़ रहा है गाइस, अभी तक मूव नहीं है। देखो सेम प्राइस में 200 पॉइंट की 20 पॉइंट्स अप एंड डाउन, ऐसे ही मूव चल रहा है। लग रहा है कि यहाँ पे और एक बिग कैंडल बन सकता है, चलो फिर से रिस्क लेते हैं और कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, ये तीनों ट्रेड लास्ट तीनों ट्रेड से बना है, ये फोर्थ नंबर ट्रेड। ठीक है, एक ट्रेड में आप कंसीडर मत करो। चलो अगेन मैंने यहाँ पे 1000 कर दिया क्वांटिटी। ओके गाइस, इस ट्रेड में 16,000 समथिंग प्रॉफिट चल रहा है, 56 है अभी देखो 40, एंड लेट्स सी हमारा यहाँ पे टारगेट बड़ा होता है। पहला ट्रेड में आपने देखा होगा 45,000 प्रॉफिट चल रहे थे फिर भी हमने बुक नहीं किया, तो बेसिकली रिस्क कम करके, रिस्क को लिमिट करके, अगर रिस्क लॉस होते हैं तो हम कट कर रहे हैं पोजीशंस को, अदरवाइज पोजीशंस को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रेड में हमको प्रॉफिट में टर्न कर सकता। ओके, मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिले तो ब्रिज कर सकता है टुडेज ओपनिंग प्राइस को, सो लेट्स सी। अदरवाइज जो सेंटीमेंट है वो काइंड ऑफ आज के दिन का बियरिशनेस देखने को मिल रहा है। ओके, निकल रहा है 30:29, 350 के ऊपर अगर आ जाए तो थोड़ा सस्टेन कर सकते हो अपर साइड एंड निकल सकता है मार्केट। हाई 11 तक इसने हाई लगा दिया है, यहाँ पे एक बार एग्जिट करना चाहिए हमको, हो सकता है कि मूव मिल जाए बट मैं जो ट्रेडिंग जोन को कर रहा है टेस्ट राइट, यहाँ से फिर रिजेक्शन आ भी सकता है। अभी बिल्कुल टुडेज हाई या ओपनिंग प्राइस पे आ रहा है तो रेजिस्टेंस जोन मान के चलते हैं हम उसको, तो एक बार एग्जिट लेते हैं और अगर इसको अगर ब्रिज करते हैं तो बड़ा कैंडल बन जाएगा। थ्री हंड्रेड के अबव आ चुका है, 200 में देखिए कितने बार ट्राई किया ब्रेक करने की बट सपोर्ट ले लिया, एंड राइट नाउ इट्स शोइंग बुलिशनेस, एंड देखिए लॉस कवर्ड हो चुका है, लॉस कवर्ड हो गया ये प्रॉब्लम नहीं है बट बुलिशनेस देखने को मिल रहा है 15, 19, 32। यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया था बट इट्स गोइंग हाई आई अगेन, जैसे कि मैंने कहा था इस तरह की लेवल की जब ब्रेकआउट होते हैं ना तब बड़ा मूव देखने को मिलता है। थोड़ा सा रिस्क भी होगा कि अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट अगर होते हैं तो प्रीमियम में जाम देखने को मिलता है, मैं एवरी वीडियोज में बताता हूँ। ठीक है, तो इस ट्रेड में
ये जो ट्रेड है इस ट्रेड को देख लो, लास्ट थ्री ट्रेड में 56 और इस ट्रेड में कितना बनाया, कवर करके भी यहाँ पे आप देख सकते हो 22,000 हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। ये होता है ट्रेड, आप हमेशा लॉस को लिमिट करो, लॉस को ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना है। वैसे भी थर्ड ट्रेड में मेरा रिस्क बड़ा हो गया था, वो भी नहीं होना चाहिए था। हमने 557 पे एग्जिट लिया था, अभी देखिए 516 आ चुका है, इट्स ओके। अभी प्राइस अगर देखोगे थोड़ा बुलिश साइड आ चुका है, ओके। तो इसलिए ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आप मार्क करके रखो बिफोर मार्केट ओपन, ताकि आप डिसीजन ले पाओ कि कौन सी लेवल ब्रेक करने पर मैं यहाँ पे कंप्लीटली बेयरिश हो जाऊँगा, कहाँ पे मैं बुलिश हूँगा। ये सारी चीज़ें प्री प्लान होना चाहिए एंड देन करंट प्रोजेक्शन को देखते हुए आपको एंट्री लेना है। अगर आप रिवर्सल ले रहे हो तो वहाँ पे रिस्क थोड़ा कम रखो, क्वांटिटी कम रखो। अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हो, ओके। अभी मार्केट सस्टेन तो कर रहे हैं। हे गाइस, अभी टाइम आप देख सकते हो 4 बज रहे हैं एंड मार्केट हो चुका है क्लोज्ड। मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ शायद आप तैयार ना हो, लेकिन चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरह की मूव था, किस तरह की प्रोजेक्शंस थे आज के दिन। तो सिंपली आप देख सकते हो थ्रू आउट द डे नेगेटिव सेंटीमेंट था, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंटेक्स के साथ छेड़खानी, तो मार्केट में ज़्यादा फॉल एक्सपेक्टेड था मेरे हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत सारा पोजिशंस बनाया, वैसे तो 4 ट्रेड जो इनिशियल 4 ट्रेड था वो तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन अभी अगर PNL देखें, चलो मैं सबसे पहले PNL दिखा देता हूँ। PNL अगर देखें तो 15 लाख रुपीस मैंने आज यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हूँ। ये देखिए ऑर्डर्स बुक भी आप यहाँ पे देख लो, ये देखिए यहाँ पे ट्रेडर्स कंट्रोल में मैंने यहाँ पे ये चीज़ लगा के रखा कि 15 से ज़्यादा अगर हो जाते तो यहाँ पे अलार्म आ जाते हैं। तो बेसिकली आज तो सारे बहुत ज़्यादा ट्रेड लिया था, और यहाँ पे ये जो ट्रेड था इसको मैंने ज़्यादा होल्ड कर लिए थे, उसके पीछे रीज़न भी मैंने आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो फिफ्थ नंबर ट्रेड था वो मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ रिकॉर्ड तो नहीं किया, कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था प्रीवियस डे यानी बजट के पहले दिन, ये स्टार्ट डे। कल भी हम बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी के साथ स्कल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन थर्सडे से प्रॉपर डिसिप्लिन से जैसे हम 7 ट्रेड लेते हैं दिन में वैसे हम करेंगे, लेकिन ये जो 3 डेज है यहाँ पे हम बजट की जो मूवमेंट है वो कैप्चर करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी के साथ स्कल्पिंग कर रहे हैं, ओके। तो फिफ्थ नंबर जो ट्रेड था मैं आपको स्क्रीन के ऊपर प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट जैसे रिजेक्शन लिया था इस कैंडल में पोजीशंस बनाया गया था, और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो प्रॉफिट गया था बढ़िया प्रॉफिट, ये देख सकते हैं मोर देन 3 लाख प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा था, बट मैंने बुक नहीं की, मुझे लग रहा था किसी भी साइड यहाँ पे निकल सकता है मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट लगे जो सेंट्रल पिवोट है 52,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे मैं मान के चल रहा था। अगर इसके अबव सस्टेन कर रहे तो बड़ा मूव देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में मैं कॉस्ट टू कॉस्ट या 45,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करके वहाँ से मैंने एग्जिट ली उस पोजीशन से। उसके बाद जैसे नीचे आया तो मैंने पुट में भी पोजीशन बनाया, ये देखिए पुट का भी पोजीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सारे रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा ट्रेड लिए गए थे, पुट का भी यहाँ पे देखो कि 2.5 लाख के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, वहाँ पे भी मैंने बुक नहीं की, बुक कर सकता था लेकिन बुक नहीं की क्योंकि मुझे लग रहा था किसी भी साइड मार्केट फटेगा। मैं जस्ट एग्जिट बटन पे ध्यान था कि जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा मैं एग्जिट कर लूँगा, भी प्रॉफिट नहीं मिला और एग्जिट कर दिए थे। उसके बाद भी कहीं पोजीशंस बनाया गया था यहाँ पे पुट का, जो ये जो पोजीशन था ये मैंने होल्ड इसलिए कर रहा था क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अगर देखोगे जो बेयरिश थे एंड मुझे लग रहा था कि मार्केट अप नहीं जा सकता, तो मैंने पुट को बाय करके होल्ड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 लाख के आसपास लॉस झेलना पड़ा इस पोजीशन से, बट फॉर्चुनेटली आप देख सकते हो कल भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ क्लोज किए थे, आज भी 15 लाख, यहाँ पे चार्जेस भी जाएगा, बहुत सारा ट्रेड है, 87 टोटल कुल मिला के चार्जेस जा सकता है, ओके। लेकिन इस तरह की जो ट्रेड है ना, ये जब मार्केट में मोमेंटम है उस टाइम शायद आप एग्जीक्यूट करो और सक्सेस मिल जाए, लेकिन मोस्टली आप लॉस बुक करोगे मोस्टली। अगर आप एवरीडे इस तरह की क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे तो नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, तो करना भी नहीं चाहिए, हैंडल नहीं कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। और वन मोर थिंग आपको बताना चाहूँगा, देखिए स्कैल्पिंग करने के लिए, ज़्यादा क्वांटिटी के साथ स्कैल्पिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट तो सबसे पहले कि कितना आप लूज करोगे आज के दिन ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टोटल कैपिटल को आप ब्लो आउट कर दो, नहीं। उसके बाद आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट भी होना चाहिए। बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते जो धन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्कल्पर बटन, यहाँ पे ऑप्शन चेन,
और यहाँ पर क्लिक करके आप पोजीशंस देख सकते हो एंड ऑर्डर सेक्शन, क्लोज पोजीशन, फंड, सारी चीज़ें आप यहाँ पे आसानी से देख पाते हो, राइट। तो इसमें अकाउंट ओपन करना बिल्कुल फ्री है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं है। एंड आप अगर हमारे लिंक के थ्रू, उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करोगे तो यहाँ पे किसी भी एक कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। लेकिन जीरोधा में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, अगर आपका एज बिलो 25 है तो जीरोधा में भी बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन कर पाओगे। एंड आफ्टर अकाउंट ओपन दोनों कोर्स ही आप बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा जीरोधा में अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो, या अगर आपका अकाउंट है अपना फैमिली मेंबर का अगर अकाउंट ओपन कराते हो तब भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे आके आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज से सारे चीज़ एक्सप्लेन किया हूँ। ऑप्शन डेटा, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन ग्रीक्स, अल्टीमेट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन प्राइसिंग, मनीनेस, यहाँ पे क्लिक करो, अब देखो क्या क्या सीखने को मिलेगा। ये टॉपिक्स आप लेक्चर वाइज आप देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो सिंपल आप सब्सक्राइब कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट, जस्ट ओपनिंग योर डीमैट अकाउंट थ्रू आवर लिंक। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी क्वेरीज है फिल फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए बाय।